बड़ी अपडेट है आपको बताएं, भाजपा नेताओं की चुनाव आयोग के साथ बैठक खत्म हो गई है। भाजपा नेताओं की जो बैठक चल रही थी चुनाव आयोग के साथ, वो बैठक खत्म हो गई है। बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं, डेलीगेशन बीजेपी का पहुंचा था चुनाव आयोग से मुलाकात करने के लिए। चार नेताओं का डेलीगेशन, गजेंद्र सिंह शेखावत, अर्जुन राम मेघवाल, इसके अलावा जितेंद्र सिंह और मुख्तार अब्बास नकवी, चारों ने मुख्य चुनाव आयुक्त के साथ मुलाकात की है। अपनी बातें उनके साथ, अपनी शिकायत उनके साथ बताई है। जो दोनों चिट्ठी लिखी गई थी, एक कार्तिकेय शर्मा के द्वारा और एक कृष्णलाल पवार के द्वारा, वो चिट्ठी का जिक्र किया है और अपनी शिकायत, अपना पक्ष चुनाव आयोग के सामने रखा है। बैठक खत्म हो चुकी है। गहलाव साहब रखिए अपनी बात, वापस आता हूं। अच्छा, आता हूं आपके पास रवि हमारे साथ हैं। रवि बताइए जरा अपडेट्स। बिल्कुल केशव, देखिए चुनाव आयोग के साथ भारतीय जनता पार्टी के डेलीगेशन की जो बैठक थी वो खत्म हो चुकी है। तमाम जो बातें हैं वो बताई गई हैं, किस प्रकार से दो वोट जो है भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो लोग वो बता रहे हैं किस प्रकार से जो है अवहेलना हुई है नियमों की, उसके चलते ये कहीं ना कहीं जो मीटिंग होनी थी, डेलीगेशन को जाना था, गजेंद्र सिंह शेखावत की अगुवाई में तमाम जो लोग थे वो डेलीगेशन में गए थे और अब ये जो मीटिंग है वो खत्म हो चुकी है। अब चुनाव आयोग को इस पर संज्ञान लेना है कि कब तक वो चुनाव आयोग इस पर मामले पूरे मामले पर संज्ञान लेता है, कब हरी झंडी मिलती है, उसके बाद ही वोटिंग की जो प्रक्रिया है, सॉरी माफ कीजिएगा, काउंटिंग की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो पाएगी। केशव, कांग्रेस को लेकर कोई अपडेट? देखिए अभी तक इस प्रकार की कोई अपडेट है वो, और अगर बात की जाए तो तमाम जो नेता है उनका आना शुरू है और तमाम जो लीडर्स हैं, कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, वो भी आ रहे हैं और ऐसे में कहीं ना कहीं पूरा माहौल, अगर विधानसभा क्या की बात करें, कंपाउंड की बात करें, तो पूरा जो यहाँ है सन्नाटा, इससे जिसको कह सकते हैं कि सन्नाटा पसरा हुआ है। तमाम जो लोग हैं वो अपने अपने उम्मीदवार की जीत को लेकर जो है वेट कर रहे हैं, कब तक जो है चुनाव आयोग ग्रीन सिग्नल देता है और कब काउंटिंग शुरू होगी और किसका उम्मीदवार जीतेगा, ये तमाम जो लोग हैं वो टकटकी लगाए देख रहे हैं। और ऐसे में पूरा माहौल जिस प्रकार का एक शांत वातावरण में तब्दील हो गया है, तमाम जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं अब दो वोटों के ऊपर आके तमाम बातें हैं वो टिक चुकी हैं। किरण चौधरी और बीबी बत्रा, इन दोनों के वोटों को इनवैलिड करार दिया जाता है या रवि, आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है, मैं दोबारा कनेक्ट करने की कोशिश करता हूं। रवि, सुन पा रहे हैं आप? बिल्कुल केशव जी, जी अब ये डेलीगेशन की मुलाकात खत्म हुई है, अब कांग्रेस का डेलीगेशन वहां पर पहुंच रहा है, उनकी मुलाकात को लेकर भी कोई प्रोटोकॉल या चुनाव आयोग की तरफ से अपडेट्स? देखिए केशव, कांग्रेस की तरफ से एक अजय माकन की तरफ से एक लेटर जारी किया गया था, एक जो है उस लेटर में ये लिखा गया था कि हमने जो पूरी वीडियोग्राफी है तमाम जो और जिस प्रकार से बत्रा की बात करें, किरण चौधरी के वोट की बात करें, तो उन दोनों वोटों की पूरी हमने वीडियोग्राफी देखी, इस प्रकार का प्राइवेसी जो है वो ब्रीच नहीं की गई, कोई भी नियमों को ताक पे नहीं रखा गया। और ऐसे में कहीं ना कहीं इस मुद्दे पर भी जो है कांग्रेस के तमाम जो लीडर्स हैं वो भी चुनाव आयोग से मिलने जा रहे हैं और ऐसे में जिस प्रकार की भूमिका किसकी क्या रहती है, क्या देखना है, उसके बाद जो है चीजें साफ हो पाएंगी। और ऐसे में बात की जाए चुनाव आयोग की, चुनाव आयोग को संज्ञान लेना है, दोनों पक्षों की बात जरूर सुनेगा और सुनने के बाद ही कोई अंतिम फैसला होगा और उसके बाद ग्रीन सिग्नल मिलता है तब काउंटिंग शुरू हो पाएगी। रवि, मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि हरियाणा और महाराष्ट्र दोनों जगह नियमों की धज्जियां उड़ाई गई हैं, नियमों की अनदेखी की गई है। रवि, चलिए फोन लाइन डिस्कनेक्ट हो गई है, मैं दोबारा से कोशिश करूंगा मिलने के लिए, बात करने के लिए। तो महाराष्ट्र और हरियाणा में नियमों की अनदेखी को लेकर जो है वो बात कही गई है और मुख्तार अब्बास नकवी जो कि मिलने के लिए पहुंचे थे उनकी तरफ से ये बात कही गई है कि नियमों की अनदेखी हुई है और धज्जियां जो हैं नियमों की वो उड़ाई गई हैं। तो बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं, मुख्तार अब्बास नकवी, जितेंद्र सिंह, गजेंद्र सिंह शेखावत और अर्जुन राम मेघवाल, ये पहुंचे थे अब मुख्य चुनाव आयुक्त से मुलाकात करने के लिए और बीजेपी के डेलीगेशन ने चुनाव आयुक्त से मुलाकात की है।
और अभी कांग्रेस का भी डेलीगेशन वहां पर मुलाकात करने के लिए पहुंच सकता है, ऐसी भी अपडेट सामने आ रही है। मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि हरियाणा के चुनाव में अनियमितताएं हुई हैं, नियमों की धज्जियां उड़ाई गई हैं, ये आरोप लगाया गया है। अब इस पर क्या कुछ चुनाव आयोग की तरफ से रिएक्शन आता है ये देखने वाली बात है। तो चुनाव आयोग से बीजेपी का डेलीगेशन मिला है, मुलाकात उनकी हुई है और मुख्तार अब्बास नकवी ने चुनाव में अनियमितता का आरोप लगाया है। मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि वोटिंग के दौरान अनियमितताएं हुई हैं और वोटिंग के दौरान नियमों की धज्जियां उड़ाई गई हैं। महाराष्ट्र और हरियाणा दो राज्यों का जिक्र किया, कहा कि यहां पर अनदेखी हुई है नियमों की, वोटिंग के दौरान नियमों की अनदेखी हुई महाराष्ट्र और हरियाणा दोनों जगहों पर। अब कांग्रेस का डेलीगेशन वो मुलाकात करेगा चुनाव आयोग से और वहां से क्या कुछ निकल कर आता है देखने वाली बात होगी। हम लगातार हर बारीक गतिविधि पर नजर बनाए हुए हैं, अपडेट्स लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। बड़ी अपडेट, चार केंद्रीय मंत्रियों के डेलीगेशन ने चुनाव आयोग से मुलाकात की, चुनाव आयोग के साथ मीटिंग जो है वो खत्म हो चुकी है और अनदेखी करने का नियमों की ये आरोप लगाया गया। रवि हमारे साथ जुड़ रहे हैं फिर से, रवि अपडेट्स कोई अभी तक? बिल्कुल कैसे, देखिए अभी तक जो अपडेट है वो यही मिल रही है कि भारतीय जनता पार्टी का डेलीगेशन जो है वो इलेक्शन कमीशन से मिला है और कांग्रेस की तरफ से रिक्वेस्ट करी गई है कि वो भी इलेक्शन कमीशन से मिलना चाहते हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अभी उनको टाइम जो है वो नहीं मिल पाया है, सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिल पाई है कि टाइम अभी नहीं है, लेकिन कांग्रेस की तरफ से भी रिक्वेस्ट निश्चित तौर पर। रवि, मुख्तार अब्बास नकवी का बयान सामने आया है, उन्होंने कहा है कि महाराष्ट्र और हरियाणा, हरियाणा के साथ साथ महाराष्ट्र में भी उन्होंने यहाँ पर नियमों की अनदेखी करने का आरोप लगाया है। बिल्कुल, देखिए अगर इस तरह का बयान कोई सामने आया है और कहीं ना कहीं जिस प्रकार मैं हरियाणा की बता सकता हूँ, चंडीगढ़ की बता सकता हूँ, क्योंकि विधानसभा सुबह से हम यहाँ कवर कर रहे हैं और अगर हरियाणा की बात की जाए तो हरियाणा के संदर्भ में जिस प्रकार की वोटिंग हुई है, जिस प्रकार से पूरा मामला उछला है, 2016 में भी इनकॉन्ट्रोवर्सी हुई थी और उसके उस पूरे इलेक्शन में रिटर्निंग अधिकारी थे आरके नांदल और इस बार भी रिटर्निंग ऑफिसर जो है आरके नांदल ही हैं और दोबारा से पूरा मामला फिर इसी प्रकार का जो है उछला है। 2016 में भी ऐसे ही तीसरा कैंडिडेट मैदान में उतरा और इस बार भी तीसरा कैंडिडेट मैदान में उतरा है और कहीं ना कहीं आरके नांदल की भूमिका पर सवाल जो है भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो लीडर्स हैं वो लगा रहे हैं। उसके साथ साथ कार्तिकेय शर्मा और उनके वकील ने भी सवाल खड़े करे हैं कि आरके नांदल की भूमिका जो है वो संदेहपूर्ण है, उसमें कहीं ना कहीं इस प्रकार से तमाम जो वीवी पत्रा उकील चौधरी के वोट के लिए उन्होंने जब शिकायत दर्ज कराई तो उन्होंने अनसुना कर दिया। स्टेट इलेक्शन कमीशन की तरफ से एक अधिकारी नियुक्त किया जाता है, उनसे भी उन्होंने पूछना उचित नहीं समझा और केंद्र के चुनाव आयोग की तरफ से भी एक अधिकारी जो है वो नियुक्त करा जाता है, उनसे भी नहीं पूछा गया, उनको भी अनदेखा कर वैलिड करार दे दिए गए। उसके बाद जो पूरा सिलसिला है शिकायतों का दौर जो है वो शुरू हुआ है। केशव, चंडीगढ़ में क्या कुछ गतिविधियां चल रही हैं? देखिए चंडीगढ़ में तमाम जो लीडर्स हैं भारतीय जनता पार्टी के वो विधानसभा पहुंच चुके हैं और ऐसे में कहीं ना कहीं वेट एंड वॉच की स्थिति जो है फिलहाल यहाँ नजर आ रही है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन की तरफ से कोई ना कोई फैसला लेना है, उसके बाद ही आगे की कार्रवाई जो है वो शुरू हो पाएगी। और बात की जाए तो इलेक्शन कमीशन की तरफ से डेलीगेशन भारतीय जनता पार्टी का जो मिला है उनसे मुलाकात हुई है और कांग्रेस की तरफ से मिलने की बात जो है मिलने के लिए जो है वो समय मांगा गया है। केशव, अब इंतजार है कमीशन के फैसले का, इलेक्शन कमीशन क्या फैसला लेता है, किसके पक्ष में ये चीजें जाती हैं वो देखने वाली बात होगी। कार्तिकेय शर्मा भी जा सकते हैं क्या दिल्ली? देखिए कार्तिकेय शर्मा फिलहाल यही है तो उनका जाना थोड़ा सा मुश्किल लगता है क्योंकि कैंडिडेट है और वो यही मौजूद है और ऐसे में कार्तिकेय शर्मा खुद दिल्ली नहीं जा सकते। उनकी तरफ से गजेंद्र सिंह शेखावत जो उनके भारतीय जनता पार्टी के जो इंचार्ज बनाए गए थे इलेक्शन के और कहीं ना कहीं उसके साथ साथ अगर बात की जाए तो कार्तिकेय शर्मा के वकील उनकी तरफ से भी शिकायत दर्ज कराई गई है तो कहीं ना कहीं वो तमाम जो लोग हैं वो डेलीगेशन में शामिल थे और कहीं ना
पूरा इंतजाम और पूरा जो फोकस है वो चुनाव अधिकार चुनाव आयोग के ऊपर रखा गया है। चुनाव आयोग क्या फैसला देता है उसके बाद तमाम चीजें क्लियर हो पाएंगी। उससे पहले यहाँ कुछ नहीं है, वेट एंड वॉच की स्थिति है। तमाम जो लोग हैं वो ये देख रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन पर सबकी निगाहें हैं और इलेक्शन कमीशन क्या फैसला लेता है। जेजेपी थोड़े से पैसिव मोड में अभी नजर आ रही है रवि, अगर उसकी आप जानकारी दे पाए। क्या दुष्यंत चौटाला भी साथ में मौजूद है भाजपा के तमाम नेताओं के साथ? बिल्कुल, अगर केशव बात की जाए तो सुबह एक चर्चा जरूर हुई थी। सुबह चर्चा ये हुई थी कि दिग्विजय सिंह चौटाला भी पोलिंग एजेंट थे और उनके साथ आर के नांदल की भी थोड़ी सी कहा सुनी जो बहस है वो बताई जा रही है कि उनकी भी बहस हुई थी बैठने के लेके बैठने के ढंग को लेकर। उनको टोकन गया था ढंग से बैठिए इस प्रकार की इस तरीके से आप नहीं बैठ सकते, तो इस प्रकार की सूचनाएं जरूर आई थी लेकिन आधारित तौर पर हम उसकी पुख्ता जो है श्योरिटी नहीं ले सकते कि किस प्रकार की जो बातचीत थी तो वो दिग्विजय सिंह चौटाला बेहतर बता पाएंगे या फिर आर के नांदल जो रिटर्निंग ऑफिसर वो बेहतर बता पाएंगे। कहीं ना कहीं भारतीय जननायक जनता पार्टी के तमाम लीडर्स हैं वो यहाँ से जा चुके हैं। मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला की बात करें तो वो अपना वोट कर यहाँ से चले गए, तो उसके बाद शाम को जब वोटिंग का जो समय हुआ खत्म होने का जो समय है उससे कुछ देर पहले जब ये हो गया था कि जो वोटिंग है वो 89 लोगों ने जो वोट है वो पोल कर दिए, उसके बाद दिग्विजय सिंह चौटाला भी यहाँ से चले गए थे। ठीक है रवि, नजर बनाकर रखिए आप, मैं फिर से वापस आपके पास आऊंगा इमीडिएटली कोई भी जानकारी आती है। बहुत धन्यवाद आपका। वापस मुद्दे पर आते हैं, मैं गहलावत साहब के पास आता हूं। गहलावत साहब, आपकी बात अधूरी रह गई थी और इसके साथ साथ मेरा सवाल यह भी है कि बड़ी धांधली का आरोप जो है वो लगाया गया है महाराष्ट्र और हरियाणा दोनों राज्यों में मुख्तार अब्बास नकवी के द्वारा। ये जो कांग्रेस के प्रवक्ता है ये बार बार हमारी पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं जो के आरोप ये निराधार है और इनको जब इनके 31 से 31 वोट कट्टे हैं और 31 से 31 वोट इनको मिले हुए हैं फिर ये डर क्यों रहे हैं? इनको डरने की क्या जरूरत है? वो तो ये घंटे बाद दो घंटे बाद काउंटिंग हो जाएगी, ये क्यों डरे हुए लगते हैं? और एक ये जो सीधा सा एलिगेशन लगाते हैं विधायकों पे, ये सारे विधायकों ने पैसे ले लिए, मैं इनके इस वक्त उसकी निंदा करता हूँ। ये बहुत ही गलत बात है क्योंकि विधायक कोई एक आदमी नहीं होता, 1,00,000